क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इंसानियत तमाम चीज़ों से ऊपर है और हमें इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, जिस ढंग से जिस सूरत में भी हो सके हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए। मेरा ख़ुद का एक शेर है कि यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। तो इंसान को इंसान के काम आना, इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं हो सकती है। और हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में आज भी बहुत सारे लोग रिसोर्सलेस हैं, उन परेशानियों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, उनको मदद की ज़रूरत लगती है। तो जब तक समाज में ये जज्बा नहीं होगा कि वो समाज के अंडर प्रिविलेज को, लेस प्रिविलेज को मदद करें, तब तक वो समाज आगे नहीं जा सकता है। आज अगर हम वेस्टर्न सोसाइटीज़ को देखेंगे तो आप ये पाइएगा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ के जो बड़े लोगों ने हैं वो डोनेट किया हुआ है। बिल गेट फाउंडेशन हो, ज़करबर्ग हो, वॉरेन बफेट हो, इन सब लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट कर दिए इंसानियत की खिदमत के लिए। मुझे लगता है कि ये जज्बा हम लोगों में भी आना चाहिए और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर रही है, कानून के दायरे में रहते हुए काम कर रही है, उसको मदद करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन ने इस किस्म का इनिशिएटिव यहाँ पे लिया हुआ है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत नेक और अच्छा काम है और इसमें बहुत सारे लोगों को जुड़ना चाहिए। और जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो लॉ के अंडर में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज सेवेंथ फेस्टिवल जो है HFF यानी ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन के, इसके लिए आई हूँ। मैं लास्ट ईयर भी आई थी, तीन साल से मैं आ रही हूँ। और ये जो नावेद भाई हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्चुअल में जो कहते हैं ना कि NGO जो ह्यूमैनिटी के लिए होता है उसे काम करना चाहिए, वो ये एक्चुअल में ग्रैंड लेवल पर काम कर रहे हैं। और जो इन्होंने सक्षम भारत जो अभी बना, जो पढ़ाई के लिए जो शुरू किया है वगैरह, जहाँ बच्चों का पढ़ा रहे हैं, वो एक्चुअली सराहनीय कदम है। एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड। और मैं जानती थी कि जो कर रहे थे जून से, वो 62 बच्चों को पढ़ाना और उनकी लाइफ चेंज करना कितनी बड़ी बात है, ये भगवान ही करते हैं बेसिकली, ब्लेस। तो और हमारा जो एसोसिएशन है ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन है, जो 1955 से बेसिकली नेशनल लेवल पे ऑल इंडिया ड्रामा और डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करता है जून में हर साल शिमला में, दैट इज़ फ्रॉम 6th to 10th June। सो इट्स AIAA शिमला, दैट इज़ ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन। तो वो इनके साथ में जुड़ा हुआ है, मेरी पूरी फैमिली, मैं, मेरे हस्बैंड रोहित आशोक गौर, जो आपके फेवरेट तिवारी जी हैं, भाभी जी घर पर हैं, कि उन्हें इस बार एम्बेसडर बनाया गया है HFF का। सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड नावेद भाई के लिए, जाफर जी के लिए ये है कि जब भी जाएंगे वो, हम HFF के लिए हमेशा साथ आएंगे, काम करेंगे, सपोर्ट करेंगे हमेशा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है हम जैसे लोगों की काम करने के लिए। तो और वो बढ़िया काम कर रहे हैं। और मेरी मम्मी हैं, इनको हमेशा ले आते हैं साथ में। तो बस HFF आगे बढ़ता रहे, हम उनके साथ साथ सपोर्ट भी करेंगे, साथ भी चलेंगे उनके। बस ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन इज़ अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ आज सातवां फंक्शन है उनका, एंड इट जस्ट स्पीक्स वेरी क्लियर अबाउट कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने सोसाइटी को एनकरेजमेंट दिया है, हेल्प किया है। आज मैं यहाँ स्पेशली आया था टू अवार्ड वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड्स जमील शाह, जिन्होंने डांसिंग शूज़ जो हैं उसका एक अलग ही मुकाम बनाया है, और ऑल्सो जाफर भाई जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मैं उनका शुक्रगुजार करना चाहूँगा। एंड ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम नितिन थोरात है, मैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन में 5 या 6 साल से हूँ और नेशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पे हूँ। हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अभी नया हिल सेंटर भी चालू किया है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छे से लोग जुड़ रहे हैं, कोई चंदा दे रहा है या बुक्स डोनेट कर रहे हैं। हमने भी बहुत सारे बुक्स लाए हैं 1st standard to 4th standard के बच्चों के लिए, और इन फ्यूचर हमारे ऐसे बहुत सारे हिल सेंटर खोलने के प्लान है। पर पब्लिक सपोर्ट करेगी तो और हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो हमें पब्लिक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे काम करते हैं, 30 projects है हमारे, जिसमें एक प्रोजेक्ट शिक्षा को भी हमने पकड़ा है। हम भी खुद 3 school रन कर रहे हैं खुद, उसमें भी बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए जो कि ग्रामीण से होते हैं। तो जितना होता है उतनी मदद हम कर रहे हैं। एक नया स्कूल है हमारा जिसका थोड़ा सा कुछ केस चल रहा है, इन फ्यूचर अगर वो हमारे हाथ में आ जाता है तो हिल सेंटर को हम कम से कम 100-200 बच्चे को रहने के लिए, जैसे एक बोर्डिंग स्कूल बोलते हैं ना, वो हम प्रोवाइड करने वाले, जिसमें उनको ना खाने के पैसे देने, ना बुक्स के पैसे देने, ना स्टेइंग के पैसे देने, वो सब हम करेंगे। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, जैसे आप देख रहे हो अभी आज का भी प्रोग्राम देखा, इवेंट देखा, बहुत सारे लोगों को अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो अच्छे काम जो कर रहा है उनको हम आगे सराह रहे हैं। हर एक को स्टेज नहीं मिलता, पर ये स्टेज हम दे रहे हैं उनको। तो हम चाहते हैं आपका मीडिया भी हमारे लिए प्रमोट करे और हमारे ह्यूमन राइट्स के लिए, और जो भी जुड़ना चाहता है बिंदास हमें कॉल करे या ऑफिस पे मिले या फ़ोन करे, हमारे
मेरा खुद का पेज भी है फेसबुक पे, नेशनल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स करके, एचएफएफ करके, तो आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो जो भी है, मैं ज़रूर जो भी होता है वो मदद ज़रूर करूँगा। वैसे तो टीम हमारी ऑल ओवर इंडिया में है और वर्ल्ड के बाहर भी है, पर और अगर एक्सपांशन के लिए हेल्प होता है आपके चैनल का तो बहुत हेल्प हो जाएगी हमारे लिए। बस हेलो, मैं सिंधु नायर, कोरियोग्राफर हूँ, सोशल वर्कर हूँ, और जो आज एचएफएफ यहाँ पर अवार्ड फंक्शन कंडक्ट करके जो अपकमिंग आर्टिस्ट को फेलिसिटेट करके इतना बड़ा काम कर रही है, क्योंकि हम लोग सब है ना एक्चुअली बैक स्टेज हीरोज़ हैं, आते हैं, काम करते हैं, निकल जाते हैं, हमें कोई फेलिसिटेट नहीं करता या इतने बड़े मंच पर नहीं लाता, पर जो आज एचएफएफ ने काम किया है हमारे काम को लोगों के सामने लाने का, उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू HFF, and I'm sure in the coming years they are going to do it bigger and bigger, and much bigger artists will be coming here, and it is going to be a big show. It's already a big show. It's just going to go bigger and bigger. Thank you. Jaji sir, वैसे तो आपको पूरी दुनिया जानती है कि जो आप serials में हो, films में हो, जो तो आप इसके बारे में आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं आपके? Actually sir, ये जो award मिलता है ना, अवार्ड मिलने से काम ख़त्म नहीं होता है, आपकी दुआ से और चाहने वालों की दुआ से आज मुझे ये साल का 12वां अवार्ड है, और दादा साहब फालके भी मुझे मिला, लेकिन अवार्ड मिलने के बाद होता क्या, काम ख़त्म नहीं, काम बढ़ जाता है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और बेहतर दें। हाँ, अवार्ड का ये फ़ायदा होता है, माइलेज बढ़ जाता है, रफ्तार बढ़ जाता है, एनर्जी मिलती है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई का, नवेद भाई का, और ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन का मैं दिल से अदा करता हूँ। अभी ये जो 19वां साल बीत रहा है, बीत जा रहा है और नया साल आ रहा है, नए साल के लिए आप अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नए साल के लिए दोस्तों इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि आजकल मेरा मानना है कि मेरे को लाइन याद आ रही है, हिंदू की बात कर ना मुसलमान की बात कर, हिंदू की बात कर ना मुसलमान की बात कर, रामो रहीम नानको ईशा की बात कर, और झूले शहीद जिस पे उस फंदे की बात कर, ऐ हिंद के जवान तिरंगे की बात कर। तो तिरंगे की बात करनी चाहिए, देश की बात करनी चाहिए, बाकी जात बात में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जो मिस्टर नावेद जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में एक सराहनीय काम है, क्योंकि इतने बच्चों का एजुकेशन लेना और समाज और देश के लिए कुछ एक नई सोच और नई हौसले के साथ करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक तरह का गॉड गिफ्टेड है उनके अंदर। और आज 7th फेस्टिवल में नावेद जी ने मुझे इन्वाइट किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, एंड आज ऑफिशियली उन्होंने मुझे यहाँ पे 19th ब्रांड एम्बेसडर HFF का मुझे अपॉइंट किया है यहाँ पे, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और बड़े ही कम शब्दों में मेरी बात को विराम दूंगा मैं। नावेद जी का जो HFF की ओर से जो एक सपना है, जो उन्होंने एक नई दिशा दी है HFF को, उस नई दिशा को एक नई सोच में ले जाने का कार्य मेरे से जितना होगा मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम जीत सिंह है और मैं एक बॉलीवुड कोरियोग्राफर हूँ। मैंने करीब करीब 170-180 सॉन्ग्स कर चुका हूँ। मैं HFF से बिगनिंग से जुड़ा हुआ हूँ। आज HFF कई सीढ़ियाँ पार कर चुका है, और नावेद जी, हेमंत जी, ये लोगों ने इस पूरी जो शिप है उसके कैप्टन है, और ये शिप को कई मतलब सी साइड जो होते हैं ना, जो बहुत सारे जो क्या बोलते हैं ओशंस, ओशंस पार कर लिया है उन्होंने। आज HFF इतने ऊंचाई पे पहुंचा है, उसका रीज़न सिर्फ हम सब मिलके कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी अगर HFF से जुड़ते हैं तो ये जो लेवल है इसका और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और ये बहुत सारे जो नेगेटिव चीज़ें जो वायरल हो रही है वो सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि HFF के साथ में जुड़ने से बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट।